आज हम लिविंग रेप्टाइल क्रोकोडेलिया के बारे में डिस्कस करेंगे क्रोकोडेलिया सबसे पहले इसके जर्नल कैरेक्टर्स दे आर लार्ज साइज कार्निवोरस एक्टिक रेप्टाइल्स ये बड़े आकार के और मांस बक्षी प्राणी होते हैं रेप्टाइल्स होते हैं टेल लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड लिटरली कॉम्प्रेस्ड लिम्स शॉर्ट बट पावरफुल इनकी छोटे आकार के होते हैं पैर लेकिन ताकतवर होते हैं क्लॉड एंड वेब्ड इनके उंगलियों में नख पाए जाते हैं नाखून पा जाते हैं और जाल भी पाया जाता है तैरने के काम में आता है स्किन थिक विद स्केल्स बोनी प्लेट्स स्क्यूट्स स्किन इनकी मोटी होती है शल्क पाए जाते हैं बोनी स्क्यूट्स के रूप में शल्क पाए जाते हैं स्कल डाएपसिड्स विद टू टेम्पोरल फेनेस्ट्री क्वार्रेट इमूवेबल नो पैराटल फोरामाइन एंड शिडो पैलेट इज प्रेजेंट इनके शरीर के अंदर जो क्रोकोडाइल है क्रोकोडाइल की टेम्पोरल जो हैं, हैं, हैं। वो दो पाई जाती इसीलिए ये हैं। और इनकी होती होती है, फिक्स होती है, है, से जुड़ी हुई रहती है। नो नहीं पाया जाता कोई शिडो पर नहीं पाया जाता है द्विशाखित होती है एबडोम रिप्स प्रेजेंट एबडोम में पाई जाने वाली जो रिप्स हैं।, वो पाई जाती हैं। टीथ न्यूमरस होते हैं बहुत सारे टीथ इनके पाए जाते हैं एंड थीकोडॉन्ट एम्बेडेड इन द सॉकेट्स ऑफ जॉर्ज और मजबूत होते हैं और अंदर जबड़े धसे हुए रहते हैं हार्ड कंप्लीटली फोर्च एम्बर्ड होता है दो ओरिकल्स होते हैं और दो वेंट्रिकल्स होते हैं क्लोयकल लॉन्गिट्यूडिनल सिलेट्स एक लंबव खांच के रूप में इनका अवस्कर द्वार पाया जाता है मेल विद ए मीडियम इरेक्टाइल पेनिस इनके मेल के अंदर इरेक्टाइल पेनिस पाया जाता है क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर इसके एग्जाम्पल है ज आर द लार्जेस्ट रेप्टाइल्स विच वेल डेवलब फॉर द एक्वेटिक लाइफ ये रेप्टाइल्स हालांकि टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं लेकिन जो क्रोकोडाइल्स हैं क्रोकोडलिया के जो सदस्य हैं वह है एक्वेटिक लाइफ के लिए एडेप्टेड हो गए इनमें पानी में जाना इनका सेकेंडरी एडेप्टन हो गया है अपनी शिकार और आवास के लिए पानी में जाना इनका एक सेकेंडरी एडेप्टन है बेसिकली ये टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए बने हैं क्योंकि ये अंडे देने के लिए जमीन पर ही आते हैं दे आर द किंग्स ऑफ वॉटर इनको मगरमच्छ को मगरमच्छों को एक्रोकोडाइल्स को पानी का राजा कहा जाता है नोस्ट्रेल्स आई ईयर ओपनिंग आर प्लेस्ड हाई ऑन द हेड एंड इवन वेन द होल बॉडी वाटर जब पानी में पूरा बदन डूबा हुआ होता है तब भी इनकी नाक और आंख दोनों पानी से बाहर निकले हुए रहते हैं और सांस ले सकते हैं दस्ट द ब्रीदिंग सींग हियरिंग रिमेन अनइंटरप्टेड इसलिए ये देख सकते हैं सुन सकते हैं और सांस ले सकते हैं बिना किसी व्यवधान के व्हेन द एनिमल डाइव्स नॉस्ट्रिल आर क्लोज्ड बाय वाल्व्स एंड निक्टीटेटिंग मेंब्रेन आर ड्रॉन ओवर द आइज एंड ईयर ओपनिंग शेड बाय द स्किन फ्लैप जब ये पानी में डाइव लगाते हैं तो इनकी आंखों के ऊपर निक्टीटेटिंग मेम्ब्रेन कवर हो जाती है और कानों के ऊपर एक, एक एक शट बाय द स्किन फ्लैप कवर हो जाता है और इनकी नोस्टल यानी नाक के ऊपर दो बाल दो बाल जो हैं वो बंद कर देते हैं इसको इसलिए पानी नहीं घुसता इन छिद्रों में होकर के ये ओवी एनिमल होते हैं एंड ट्वेंटी टू फिफ्टी एग्स पर हीप इन द और इन द सेंट अपने जमीन में रेत पर अपने पैरों से गड्ढा खोद करके उस गड्ढे के अंदर ये अंडे देते हैं जैसे कि इसमें एक ये वीडियो है वो उन, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं इसलिए उनसे बचने के लिए ये सारे कार्यक्रम किए जाते हैं अब जो ऑर्डर है उसके एडवांस करेक्टर हैं कुछ जो दूसरे रेपाइल से ज्यादा विकसित प्रकार के होते हैं जैसे इनमें थीकोडोंट डेंटिशन पाया जाता है यानी दांत अंदर हुए रहते हैं जबड़ों पर एक कंप्लीट बोनी पैलेट पाया जाता है इनका जो तालू है वह अस्थिमय होता है हड्डी का बना होता है लंग्स विद प्लूरल केविटीज इनके लंग्स में गुहाएं पाई जाती हैं प्लूरल गुहाएं पाई जाती हैं वायुकोश पाए जाते हैं मस्कुलर डायफ्राम इज प्रेजेंट लाइक मिनल्स

क्रोकोडाइल के अंदर जो वेंट्रिकल हैं वो पूरी तरह से सेपरेटेड होते हैं और उनका जो ब्लड है वो बिल्कुल सेपरेट होता है यानी एक तरफ प्योर ब्लड होता है एक तरफ इमप्योर ब्लड होता है और वो कभी मिक्स नहीं होता इट ग्रोज नाइन टू एट टू नाइन मीटर एंड इज वेरी फ्य बहुत ही भयंकर रूप से और आठ से नौ मीटर लंबाई के हो जाते हैं इतना कोई बड़ा रेप्टाइल नहीं होता है नो टंग इन देयर माउथ इनके मुंह में जीव नहीं पाई जाती इंपॉर्टेंट चीज कि इनके मुंह में जीव नहीं पाई जाती बोनी पैलेट एंड स्क्यूट्स प्रेजेंट इन दियर स्किन इनकी इनकी जो स्किन है त्वचा है उस पर बोनी पैलेट्स जाते हैं स्क्यूड्स पे अस्थि में शल्प पे ऑर्डर क्रोकोडाइलिडी एंड एलिगेडेडी तो इसके अंदर एलिगेटर और क्रोकोडाइल दोनों ही आते हैं जैसे कि क्रोकोडाइल में क्रोकोडाइल पैलेस्ट्रिक्स और एलिगेटर ग्रेवियलेस ये सब इसके अंदर आते हैं ये कुछ क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स के चित्र हैं जिसमें जिसका थूथन चौड़ा होता है वो एलिगेटर होता है और जो वी आकार का होता है वो आ, जो है क्रोकोडाइल होता है डिफरेंस क्या है इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है द डिफरेंस बिटवीन द क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर द क्रोकोडाइल्स बिलोंग टू द फैमिली क्रोकोडेलिडी एंड वाइल एलिगेटर एंड आर द प्लेस इन द फैमिली एलिगेटेडी द क्रोकोडाइल्स हैज ए वेरी लॉन्ग नैरो वी नैरोपना जैसा कि मैंने बताया क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ होते हैं उनका स्नाउट रीजन यानी आगे का जो भाग है वो वी आकार का होता है इस प्रकार से होता है जबकि एलिगेटर का जो मुंह है वो यू आकार का होता है आगे से चौड़ा होता है बिकॉज ऑफ द वाइड स्नाउट द एलिगेटर इज पैक मोर क्रशिंग पावर टू प्रे लाइक टर्टल दैट कंस्टिट्यूट ए पार्ट ऑफ इट्स डाइट एलिगेटर कछुए को खा सकता है अपने भोजन के रूप में ले सकता है क्योंकि उसके कवच को तोड़ना और हर एक के का नहीं है किसी कोई भी कछुए के कवच को नहीं तोड़ सकता सिवाय एलिगेटर के क्रोकोडाइल के भी बस का नहीं एलिगेटर का प्रिय भोजन होता है कछुआ, कछुआ कछुए के कवच को वो तोड़ सकता है द नैरोडाइल इज नाउट एंड ऑल दो स्टिल वेरी पावरफुल एंड इज नॉट रियली शूटेड फॉर द प्रे लाइक टर्टिल बट इट इज वेरी वर्सिटाइल फॉर द फिश एंड मेमिलियन प्रे जो क्रोकोडाइल होते हैं उनके मेमल्स और फिश उसके प्रिय भोजन हो होते हैं कछुओं से वो हाथ नहीं लगाते लेकिन एलिगेटर कछुए भी खा जाता है ये डिफरेंस की एक टेबल है जिसमें मैंने डिफरेंस क्रोकोडाइल्स बिलोंग टू द फैमिली क्रोकोडिलिडी एलिगेटर्स बिलोंग टू द फैमिली एलिगेटेरिडी क्रोकोडाइल्स वेरी लॉन्ग नैरो एंड वी शेप्ड स्नआउट एंड एलिगेटर्स हैव द वाइडर एंड यू शेप्ड स्नआउट यू शेप्ड स्नआउट

या मटमेले रंग का या काले कलर के होते हैं क्रोकोडाइल्स क्रोकोडाइल क्रोकोडाइलोडाइल स्नऊल दो स्टिल वेरी पॉवरफुल बट इट इज वेरी वर्सेटाइल फॉर द फिश एंड मेमिलियन प्रे बट द एलिगेटर्स स्नाउट इज़ स्नऊूशेड एंड वेरी पावरफुल फॉर क्रशिंग दैल ऑफ दाइक ट्रटिल्स एंड कंस्टिट्यूटेड पार्ट ऑफ दियर डाइट both jaws are nearly in crocodiles both jaws are nearly and some bits same bits so that the teeth are exposed all along the jawline in an interlocking pattern when the, the mouth is closed जब क्रोकोडाइल का माउथ क्लोज होता है बंद होता है तो उसके निचले और ऊपर की जबड़ों के जो दांत हैं वो आपस में इंटरलॉकिंग पैटर्न की तरह इस प्रकार से फिक्स हो जाते हैं जबकि एलिगेटर में इस प्रकार का कोई चीज नहीं पाती एक्सपोज रहते हैं लेकिन वो इस प्रकार के इंटरलॉकिंग पैटर्न नहीं पा जाता है क्रोकोडल के अंदर अठारह से लेकर के उन्नीस ऊपर के जबड़े में और पंद्रह निचले जबड़े में दांत होते हैं और एलिगेटर में दांतों की संख्या सत्रह और बाइस होती है स्नाउट मॉडरेटली लॉन्ग एंड पॉइंटेड होता है स्नाउट ब्रॉड एंड पॉइंटेड होता है एलिगेटर में जैसे कि ये चित्र हैं ये ऊपर वाला क्रोकोडाइल है ऊपर वाला एलिगेटर है और नीचे वाला ये क्रोकोडाइल है क्रोकोडाइलस पोरोसस है और ये एलिगेटर मिसिसिपियनेसिस अमेरिकन एलिगेटर है ये क्रोकोडाइल जैसा कि क्रोकोडाइल का जो आकार है वो लंबा हो सकता है लेकिन एलिगेटर छोटे आकार के होते हैं लगभग तीन मीटर के होते हैं ये पांच से लेकर के और आठ मीटर लंबाई तक के हो सकते हैं, हैं क्रोकोडाइल्स और क्रोकोडाइल का जो थुथन है थनिस्ट रीजन लुक ऑलमोस्ट लाइक स्टेबल दे डिटेक्ट स्लाइट चेंजेस इन द वाटर प्रेशर

Force is more than फोड़ सकते हैं चार सौ पांच हजार पाउंड होती है और चार सौ पाउंड लार्ज ग्रेट व्हाइट शार्क की होती है आठ सौ से लेकर के एक हजार पाउंड फॉर ए की होती है हाइना की जबड़ों की ताकत होती है तो इसलिए ये जो क्रोकोडाइल है इनकी मसल्स पावर यानी कि जो जबड़ों की जो शक्ति है वो काफी ज्यादा होती है और एक बार इनके ग्रिप में आ जाता है तो उसको छोड़ते नहीं है द आर ओपन अ वेरी वीक सेट ऑफ मसल्स एंड द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड क्रोकोडाइल वाटर जी एंड वाटर क्रोकोडाइल टू वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी टू किलोग्राम वॉट इन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा मगरमच्छ पाया गया था Queensland in 1957, the largest living crocodile was the 7.1 meter long saltwater crocodile recorded in Odisha, India. India may be a 7 meter long, 7.1 meter long crocodile It lived in the Bitter uh, Nika wildlife Century and uh, June 2006 was entered in the um, Guinness Book of World Record adult male can reach size up to the 6 to 7 meter but in general male over 5 meter in length and extremely rare females are smaller and do not normally exceed 3 meter but 2.5 meter being considered very large this is a video which shows how a crocodile eats the, its prey tortoise Alligator can crush the shell of tortoise. Tortoises are also aquatic reptiles, and crocodiles are also aquatic reptiles, both live in the water, fresh water, and this is the prey. Alligator कैप्चरिंग इट्स प्रे एलिगेटर अपने शिकार को पकड़ता हुआ और ये कछुए को पकड़ रहा है कछुए को उसने पकड़ लिया है कछुआ भाग रहा है जान छोड़ा करके भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो भागने नहीं देगा उसको क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा होती है कछुआ पानी में भी तेजी से तैर सकता है लेकिन मगरमच्छ से ज्यादा तेजी से नहीं तैर सकता जमीन पर तो धीमे धीमे चलता है लेकिन पानी में तेजी से तैर सकते हैं दोनों ही और ये इसने इसको कछुए को पकड़ लिया है पकड़ने के बाद ये एलिगेटर है एलिगेटर ने जिस हिसाब से कछुए को पकड़ा अपने दोनों जबड़ों के बीच में एक बार आने के बाद में फिर वो छोड़ा नहीं सकता चाहे वो कितनी ही कोशिश कर ले जैसे इसने एक कछुए को इस एलिगेटर ने एक कछुए को अपने दांतों के जबड़े में पकड़ लिया है और दांतों को जबड़े में पकड़ने के बाद वो बिल्कुल बीच बीच में आ गया है और एक दांत उसके कवच के अंदर धंस चुका है और उसका कवच चाहे कितना ही मजबूत हो बस काफी मजबूत होता है और कोई दूसरा एनिमल नहीं खा सकता इन कछुओं को लेकिन केवल एलिगेटर केवल और केवल एलिगेटर इनको खा सकती है और इसमें से ब्लड बाहर निकल रहा है और ये मरने के कगार पर है मर चुका है अब इसको चबा चबा करके खाएगा ये और इस प्रकार से ये एलिगेटर ही है जो कछुओं का शिकार करता है यानी दूसरे शब्दों में कहें तो कछुए के जो मुख्य दुश्मन हैं वो एलिगेटर ही होते हैं क्रोकोडाइल के बस का नहीं है जैसे कि इसने ये एलिगेटर है इसने एक कछुए को मुंह में लिया और उसको दोनों जबड़ों के बीच में क्रश कर दिया चबा डाला और वो उसमें से कछुए में से, से ब्लड बाहर निकल रहा है और उसके मुंह में होकर के नीचे जा रहा है और पानी में ब्लड ब्लड हो गया लाल और उसको पूरी तरह से अपने जबड़ों के बीच में रख करके चबा रहा है इस प्रकार से एलिगेटर जो है वो उनका अपने भोजन का शिकार करते हैं अपने भोजन को चबा करके खाते हैं थैंक यू thank you very much this is all about the crocodiles crocodiles